क्या आपको पता है कि बुर्ज खलीफा में एक दिन रुकने के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे? और 3 साल पहले जापान में एक रेलवे स्टेशन को बंद करना था, लेकिन फिर वहां के गवर्नमेंट ने उस स्टेशन को बंद नहीं किया। जवाब जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। और 2520 इस नंबर को कहीं नोट कर लो, ये बहुत ही मिस्टीरियस नंबर है और आगे आपके लिए यूजफुल भी है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि अगर आप स्पेस में दो एक ही तरह के मेटल्स को लेकर जाओगे, जैसे कि आप लोहे के दो टुकड़े को ही ले लो, अगर आप लोहे के दो टुकड़े को स्पेस में लेकर जाओगे तो वो दोनों टुकड़े आपस में बिल्कुल कंबाइन हो जाएंगे, जी हाँ, जुड़ जाएंगे। इट्स रियली अ अमेजिंग इफेक्ट, इजंट इट? इसी इफेक्ट को कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि आज से लगभग 3 साल पहले जापान में एक रेलवे स्टेशन को बंद करना था, लेकिन जब वो लोग रेलवे स्टेशन को बंद करने वाले थे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की उस स्टेशन के एक ट्रेन से डेली अपने स्कूल जाती थी। उसके बाद उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि जब तक वो लड़की अपनी पढ़ाई पूरी न कर ले उस स्टेशन को बंद नहीं किया जाएगा। जापान इज रियली ग्रेट, इजंट इट? इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दो, जी हाँ, जल्दी से अभी एक लाइक कर दो। फैक्ट नंबर 3, आपने तो ये जरूर सुना होगा कि कॉकरोच का सर काट देने के बाद भी वह 1 हफ्ते से अधिक दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कॉकरोच का सर काट देने के बाद भी वो जिंदा आखिर कैसे रहता है? देखिए, कॉकरोच जो होता है वो अपने मुंह से नहीं और न ही अपने नाक से सांस लेता है, उसके शरीर में छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से वो सांस लेता है, और जब आप उसके सिर को काट देते हो तो वो अपने शरीर की मदद से कुछ दिनों तक सांस लेकर जिंदा रहता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो गया है कि अगर आप एक सिगरेट भी नहीं पीते हो और अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो फिर भी आप 40 सिगरेट पी रहे हो। जी हाँ, वहाँ की हवा इतनी जहरीली हो गई है और दिल्ली इस दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी बन गई है। फैक्ट नंबर 5, इस इमेज को देखो, यह है लिमिट ऑफ यूनिवर्स। जी हाँ, इस ब्रह्मांड की सीमाएं कितनी है? नंबर 1 पे है आपका मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। जी हाँ, सबसे कम टेम्परेचर जो संभव हो सकता है वो है आपका 0 केल्विन, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे का टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम। जी हाँ, सबसे छोटा समय जो पॉसिबल हो सकता है, और वो है आपका 5.39×10⁻⁴ सेकेंड्स। जी हाँ, इससे छोटा अब टाइम पॉसिबल नहीं है। नंबर 3 पे है आपका स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ, सबसे छोटा लेंथ जो पॉसिबल हो सकता है, और वो है आपका 1.62×10⁻¹⁵ मीटर्स, और इससे छोटा लेंथ अब पॉसिबल नहीं है। और सबसे लास्ट में है आपका मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर, सबसे अधिक टेम्परेचर जो पॉसिबल हो सकता है, और वो है आपका 1.42×10⁻³२ केल्विन, यानी कि लगभग इतना डिग्री सेल्सियस। इससे अधिक टेम्परेचर अब पॉसिबल नहीं है। फैक्ट नंबर 6, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। जी हाँ, लाइफ एक साइकिल के चलाने के समान है। जैसे आप साइकिल को बैलेंस करने के लिए हमेशा चलाते रहते हो साइकिल को, उसी तरह अगर आपको लाइफ में भी सक्सेस चाहिए तो आपको हमेशा आगे बढ़ना होगा, और अगर आप थोड़ा भी रुकेंगे तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए सक्सेस को पाने के लिए आपको आगे बढ़ना जरूरी है। फैक्ट नंबर 7, फ्रूट सलाद नाम का एक पेड़ होता है जो एक बार में 3 से 7 अलग अलग फलों को उगाता है। जी हाँ, सिर्फ एक ही बार में। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका दिमाग एक कंप्यूटर होता तो वो एक बार में कितने ऑपरेशंस को कर सकता है? जी हाँ, 1 सेकेंड में कितने ऑपरेशंस को कर सकता है? इसका जवाब है कि वो 1 सेकेंड में 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। और इस दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है ब्लू जीन, वो इसका सिर्फ 0.002% ही है। इट्स रियली शॉकिंग, इजंट इट? फैक्ट नंबर 9, एक इंटरव्यू में एक अरबपति से ये पूछा गया था कि कम समय में आप इतने सफल आखिर कैसे हैं? तब उन्होंने बताया कि कड़ी मेहनत। तो उस इंटरव्यूअर ने कहा, ये तो सब कहते हैं लेकिन आखिर इसका रहस्य क्या है, हम कम समय में इतने सफल आखिर कैसे हो सकते हैं? तब उन्होंने बताया कि कम समय में अगर आपको सफल होना है
तो जब आप डिसीजन लो उसी वक्त उस काम को शुरू कर दो। जैसे ही आप किसी काम को करने के लिए सोचते हो उसी वक्त उस काम को करना भी शुरू कर दो। फैक्ट नंबर 10, कुंग फू कराटे का नाम सुनते ही आपको चाइना की याद आती होगी, है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना आज भले ही कुंग फू में वर्ल्ड फेमस हो, लेकिन चाइना को ये कुंग फू सिखाने वाला हमारे इंडिया के ही व्यक्ति थे जिनका नाम है बोधि धर्मन। जी हाँ, इन्होंने ही चाइना जाकर चाइनीज लोगों को कुंग फू सिखाई थी। फैक्ट नंबर 11, अगर आप सन को एक WBC के बराबर मानते हो, यानी कि वाइट ब्लड सेल के बराबर, जिसकी लेंथ होती है 7 माइक्रोमीटर, तो क्या आपको पता है कि मिल्की वे गैलेक्सी तब कितनी बड़ी होगी। इसका जवाब है, तब मिल्की वे गैलेक्सी लगभग USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बराबर होगी। यानी कि सोच लो हमारी सन कितनी छोटी है मिल्की वे गैलेक्सी से, और सन से कितनी छोटी है हमारी अर्थ, और अर्थ से कितने छोटे हैं हम। फैक्ट नंबर 12, आज भले ही $1 की कीमत ₹74 हो, जी हाँ 74 रुपीज़, लेकिन क्या आपको पता है कि 1917 में ₹1 जो था वो लगभग $13 के बराबर था। जी हाँ, ₹1 $13 के बराबर। फैक्ट नंबर 13, अगर आपका स्मार्टफोन हैंग हो रहा है तो आप उस फोन को चार्जिंग में लगा दो, जिससे कि वो फोन जल्दी चालू हो जाएगा। फैक्ट नंबर 14, क्या आप अभी यही सोचते हो कि आप एक जगह आराम से लेटे हुए हो या फिर बैठे हुए हो, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि आप उस प्लेनेट पे हो जो प्लेनेट एक स्टार का लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चक्कर लगा रहा है, और वो स्टार एक गैलेक्सी का लगभग 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चक्कर लगा रहा है, और वो गैलेक्सी एक यूनिवर्स का लगभग 600 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चक्कर लगा रही है। और जब तक मैंने आपको ये फैक्ट बताया है आप 3000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हो, लेकिन इतना सब होने के बाद भी आपको यही लगता है कि आप रेस्ट कर रहे हो। फैक्ट नंबर 15, 2520, मैंने आपको शुरू शुरू में कहा था इस नंबर को नोट कर लो, और अब मैं इस नंबर की मिस्ट्री बताने वाला हूँ। 2520 ये सबसे छोटा नंबर है जो कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से डिवाइड हो सकता है। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये देखो, 1 से 2520 times, 2 से 1260 times, 3 से 840 times, 4 से 630 times, 5 से 504 times, 6 से 420 times, 7 से 360 times, 8 से 315 times, 9 से 280 times, और 10 से 252 times। फैक्ट नंबर 16, इस इमेज को ध्यान से देखो। ये इमेज ये दर्शाता है किसी भी व्यक्ति के सक्सेस के पीछे आखिर क्या रीज़न है। वो व्यक्ति पहले सोचता है आई वुड नॉट डू इट, मैं इसे नहीं करूँगा। उसके बाद सोचता है आई कांट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद आई वांट टू डू इट, मैं इसे करना चाहता हूँ। और उसके बाद हाउ डू आई डू इट, लेकिन आखिर मैं इसे करूँगा कैसे। उसके बाद आई विल ट्राई टू डू इट, लेकिन मैं इसे करने का प्रयास ज़रूर करूँगा। और उसके बाद आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। और उसके बाद आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा। और उसके बाद उस व्यक्ति का लास्ट स्टेज है, यस आई डिड इट, मैंने यह कर लिया। यानी कि इतना सब कुछ करने के बाद वो व्यक्ति अपने सक्सेस को पाता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले ही यही सोच लेते हैं कि मैं इसे कर ही नहीं सकता, जी नहीं ये मुझसे नहीं होगा, तब आपसे घंटा कुछ होने वाला है। अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको ये पता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में लगभग 7×10^27 एटम्स मौजूद है। जी हाँ, लगभग इतना एटम्स मौजूद है। क्या आप इसे काउंट कर सकते हो? आप मिलियन तक जाओगे, बिलियन तक जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिलियन तक जाओगे, लेकिन उसके बाद आपको पता नहीं कि क्या आता है। अगर आपको जानना है कि मिलियन बिलियन और ट्रिलियन के बाद आखिर क्या आता है, तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। फैक्ट नंबर 18, इस दुनिया में जितने भी एंट्स यानी कि चींटियां मौजूद हैं, उन सभी चींटियों का वेट इस दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद हैं उन सभी के वेट से बड़ा है। यानी कि सोच लो चींटियों की संख्या कितनी ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 19, 1 मिनट में लगभग 108 लोग मरते हैं और 1 मिनट में लगभग 258 बच्चे पैदा होते हैं।
जबकि 46,800 फोटोज इंस्टाग्राम पे हर मिनट अपलोड होती हैं और 36,08,614 मिलियन सर्चेज हर मिनट गूगल पे होती हैं और 41,47,740 वीडियोस हर मिनट यूट्यूब पे व्यू होती है और 15,51,95,280 ईमेल्स हर मिनट सेंट होते हैं, यानी कि हर एक मिनट कितने वर्क्स हो रहे हैं। फैक्ट नंबर 20, बुर्ज खलीफा जो कि इस दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एक दिन ठहरने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे अधिक कॉस्ट वाले रूम की, तो उसकी कीमत है $24,000, यानी कि लगभग इतना रुपीज, जिसमें आपको बिल्कुल एक रॉयल की तरह रूम मिलेगा, यानी कि शाही रूम, जिसमें आपकी बाथरूम ऐसी होगी, आपका बेडरूम ऐसा और आपकी डाइनिंग टेबल ऐसी होगी। बिल्कुल आप एक रॉयल की तरह उस रूम में रहोगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल वाले आइकन को दबा के ऑल वाले ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ वो आपको तुरंत मिल जाए, और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हर 3 दिन पे अपलोड करता रहता हूँ।